रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 बस कुछ ही दिनों में ऑन एयर होने वाला है। केप टाउन में शो की शूटिंग शुरू हो गई है और अब तक इससे जुड़े कई अपडेट्स भी सामने आ गए हैं। खतरों के खिलाड़ी 13 के जुलाई मिड वीक से शुरू होने की चर्चा है। इस बीच शो से कौन कौन से कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो गए हैं और किसने टॉप 8 में बाजी मार ली है, इसकी एक अपडेट सामने आ गई है। पिछली बार ऐसी खबर थी कि डेजी शाह शो से बाहर हो चुकी हैं। अब एक और कंटेस्टेंट के शो से एलिमिनेट होने की खबर सामने आई है, जिनका नाम जानने के बाद कई फैंस उदास हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अली बाबा दास्तान ए काबुल फेम शीजान खान का सफर खत्म हो चुका है। वो 9वें कंटेस्टेंट रहे जिन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। उनके बाद अब शो में अर्चना गौतम, शिव ठाकरे, अर्जित तनेजा, दीनो जेम्स, ऐश्वर्या शर्मा, सौंदस मोफकीर, नायरा बैनर्जी और रश्मित कौर बाकी हैं। शीजान खान के एलिमिनेशन की खबर सामने आने के बाद कई फैंस उदास हैं। किसी ने इसे फेक बताया तो किसी ने कहा कि अगर शीजान आउट होता तो अभी तक इंडिया आ चुका होता। इस रियलिटी शो की ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है, मगर ऐसी चर्चा है कि शो 15 जुलाई से शुरू होगा। अगर एक नज़र अब तक के एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की इन्फॉर्मेशन पर डालें, तो रोहित रॉय सबसे पहले बाहर हुए हैं। उन्हें चोट लग गई थी जिस कारण वो ज्यादा खेल पाने में समर्थ नहीं थे। उनके अलावा अंजुम फकीह और रूही चतुर्वेदी भी एलिमिनेट हो चुकी हैं। शो के कई प्रोमो जारी किए जा चुके हैं।